जिस तरह किसी इंसान के दिल में किसी के तई कीना बैठ जाए तो उसकी अच्छी बात भी उसको बुरी लगती है। जैसे किसी के दिल में किसी के तई कीना बैठ जाए तो उसकी हर अच्छी बात उसको बुरी लगती है, जबकि कीने से रोका गया है। वला तबाग़ज़ू, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के तई अपने दिल में कीना ना रखे। अगर कोई रखता है तो इस हदीस का मुनकिर है, मुनकिर हदीस है वो, इस हदीस के आईने। वला तबाग़ज़ू, और वैसे भी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। तो इसी तरह अगर कोई आदमी हक को न कबूल करने का जहनी फैसला कर चुका हो तो अगर वो आसमान से फरिश्तों को उतरता हुआ देख ले या मुर्दे उससे बात करने लगे तब भी वो हक को नहीं कबूल करता। पहली आयत के अंदर वही बात बयान की गई, वलौ अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता। अगर कोई आदमी हक को कबूल ना करने का ज़हनी फैसला कर चुका हो तो अगर वो आसमान से फरिश्तों को उतरता हुआ देख ले या मुर्दे उससे बात करने लगे तब भी वो हक को कबूल नहीं करता। फसाद ज़हन का ये एक ऐसा मरहला है। इस मरहले पर पहुंच जाने के बाद ऐसा ही हाल होता है एक इंसान का, उसके बाद यह बयान किया गया कि शयातीन इंस और शयातीन जिन, इंसानों में के भी शैतान होते हैं जी, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी ये वसवास होते हैं। قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الَّذِي الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ। तो ये जो वसवास होता है, खन्नास जो होता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ये जिन्नों में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। यहां भी वही बात कही गई है, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا। कि इंसानों में भी कुछ शैतान, ये कैसे होते हैं इंसानों में के शैतान? अजान हो गई है, एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आ रहा है, एक शैतान इंस आ गया, इंसानों में का शैतान किधर जा रहा है? बोले नमाज पढ़ने, अजान हो गई तू भी चल। बोले जान दे बाद में पढ़ लेना, चल एक फिल्म मार के आते हैं। ये शैतान इंस है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो यहां भी कुछ शयातीन इंस और शयातीन जिन ऐसे हैं, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफल क़ौलि ग़ुरूरा, उनमें से बाज़ को चिकनी चुपड़ी बातें डालते रहते हैं खुफिया तौर पर, वही करते रहते हैं। यहां चिकनी चुपड़ी बातों को ज़ुख़रुफ़ल क़ौल कहा गया है, जैसे गोबर के ऊपर सोने का मुलम्मा कर दिया जाए, यह है ज़ुख़रुफ़ल क़ौल। अंदर गोबर के सिवा कुछ नहीं, ऊपर से खाली सोने का पानी दिख रहा है, यह चिकनी चुपड़ी बातें और ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल। अंदर गोबर है, ऊपर से सोने का मुलम्मा कर दिया गया है। वो चिकनी चुपड़ी बातें क्या हैं जो ये शयातीन इंस और जिन्न करते रहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो एक बात तो ये थी कि ये देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलते हैं कि अगर इंसान मार दे जानवर को तो खाना हलाल है, और अल्लाह मार दे तो खाना हराम। अरे भाई, अगर कोई जानवर फितरी मौत मर जाए तो उसको किसने मारा? अल्लाह ने मारा।
वो मुर्दार खाते थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुर्दार खाना हराम है, तो क्या एतराज किया उन्होंने? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अपना खुद मार दे इंसान तब तो खाना हलाल है, और अगर इंसान अल्लाह मार दे तो खाना हराम, और इंसान मार दे तो खाना हलाल हो जाता है। ये अजीब गरीब मामला है इनका। इसी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ बातें इस तरीके की भी हैं, जैसे कोई ये कहे कि सारे रास्ते अगरचे अलग अलग हैं मगर सबकी मंजिल एक है, इस रास्ते से जाओ तब भी वहीं पहुंचोगे, इस रास्ते से जाओ तब भी वहीं पहुंचोगे, उस रास्ते से जाओ तब भी वहीं पहुंचोगे, मुख्तलिफ रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक है, ऐसा नहीं है रास्ता भी एक है और मंजिल भी एक है। इहदिनस्सिरात अलमुस्तकीम, रास्ते का नाम भी बता दिया गया सिरात अलमुस्तकीम, रास्ता भी एक है और मंजिल भी एक है। ये कहना कि रास्ते बहुत हैं मंजिल एक है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। और ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल में चिकनी चुपड़ी बातों में एक चीज और आती है कि शैतान इंस या शैतान जिन्न कोई दिलों में ये बिठा देता है किसी बुत या मजार के ताल्लुक से, यहां आने से मुरादें पूरी हो जाती हैं, इस मजार पर आकर के इस बुत के सामने आकर के आदमी जो भी मांगे उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। ये भी चिकनी चुपड़ी बातें हैं शैतान इंस और जिन की तरफ। एक नारा है, ये भी ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल है, हम दो हमारे दो, वी टू आवर्स टू, हम दो हमारे दो, ये भी एक नारा, मर्द और औरत बराबर है, इसको कहते हैं नारे मुसावाते मर्द और जन, औरत और मर्द बराबर हैं, मर्द ऑफिस जाए तो औरत भी ऑफिस जाए, मर्द और औरत में कोई तफरीक नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं मुसावाते मर्द और जन, और बाकायदा इसकी तहरीक चलाई जा रही है, तहरीक आजादी निस्वा, ये भी एक चिकनी चुपड़ी बात है। इसी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत सारी चीजें आपको इल्म है इस बात में कि शयातीन इंस और जिन इस तरीके की बातें लोगों के जहनों में डालते रहते हैं, और मकसूद क्या होता है, आदमी धोखे में पड़ जाए, गुरूरा धोखे में पड़ जाए। क्या ये नहीं होता कि आदमी जहर को तिरियाक समझ लेता है धोखे में? यही तो है धोखा, किसको बोलते हैं? आदमी जहर को तिरियाक समझ लेता है, धोखा इसी को बोलते हैं, कुछ है और समझ लेता है कुछ। तो वो कदालिक जानना लिकुल्ल नबीय्यिन अदुवन शयातीन अलइंस वल जिन्न युही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल ग़ुरूरा। तो कहते हैं ये सारी बातें, ये सारे वसवसे चिकनी चुपड़ी बातें हैं, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल है। आगे एक और हकीकत बयान की गई कि गुमराही का सबब क्या है, आदमी का दिल पहले किसी बुरे काम की तरफ मायल होता है, वली तस्वा इलैही अफ़ईदतुल लज़ीना, पहले दिल मायल होता है, दिल मायल होता है, उसके बाद मरहला आता है मायल होने के बाद उस काम से राजी होता है, और फिर राजी होने के बाद उसको कर डालता है। यही तीन ही मरहले है ना। अरे भाई कोई बुरा काम करने चलता है आदमी तो पहले उस बुरे काम की तरफ दिल मायल होता है, अब दिल मायल हो गया, फिर दूसरा मरहला है दिल उसको पसंद करता है, पसंदीदगी के बाद तीसरा मरहला उसको कर डालता है। अब आदमी का दिल मायल ना हो, आदमी उसको पसंद ना करे, आदमी उस गुनाह का इंतकाम ना करे, एक ही सूरत है, क्या? तसव्वुर आखिरत, हमेशा उसके पेश नजर रहे। इसी वजह से कहा गया वलितस्वा इलैही अफ़ईदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरत वलियरदौ वलियक्तरिफू वलहुम मा यक्तरिफून, के ये अमल आदमी क्यों करता है, इसलिए कि आखिरत की जवाबदेही का तसव्वुर उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है। अगर आखिरत का तसव्वुर हमेशा उसके पेशे नजर रहे तो वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता कि मेरी इस हरकत को अल्लाह देख रहा है और इस हरकत के बारे में कयामत के दिन मुझे जवाबदेही करनी है, अगर ये तसव्वुर हो
तो आदमी गुनाह की तरफ मैलान नहीं करेगा, उससे राजी नहीं होगा, उसको करेगा नहीं। तो यह बताया गया कि किसी बुरे अमल की तरफ आदमी का दिल पहले मायल होता है, एक, फिर दिल मायल होने के बाद दिल उससे राजी होता है, तीसरे नंबर पर कर डालता है। तो अब दिल मायल ही ना हो उसके लिए क्या नुस्खा है? हमेशा आदमी की निगाहों के सामने आखिरत हो कि ये जो हम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है और इस हरकत के बारे में कयामत के दिन हमसे पूछिश होगी। अब आयत करीमा देखिए बिल्कुल साफ है, وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ। उसके बाद कुरान हकीम के तीन सिफतें बयान की गई हैं और तीनों इंतहाई जामع हैं, परफेक्ट हैं कि وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ। ये तीन सिफतें हैं कि एक तो कुरान हकीम सिद्क है, यानी इसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बे से लेकर वन्नास की सीन तक एक एक बात सच्ची है और सच बात को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो बात सच्ची है, ट्रुथ इज ट्रुथ, उसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। ट्रुथ कांट बी चैलेंज्ड, ट्रुथ को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। जो भी चैलेंज करेगा मुंह की खाएगा। तो कुरान हकीम की बे से लेकर बिस्मिल्लाह की वन्नास की सीन तक जो भी बात बयान की गई टोटल सिद्क है, मुकम्मल सच्चाई है, आदमी चाहे माने या ना माने। वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिद्क और व अदला, अदल माने बिल्कुल मोतदिल है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर जो कवानीन और उसूल हैं, आदमी उन कवानीन और उसूल को ऊपर नहीं चल सकता। आसान है, किसी भी कानून के अंदर, किसी भी उसूल के अंदर कोई शिद्दत नहीं है कि आदमी ये उज्र करे कि इस कानून के अंदर शिद्दत है भाई हम नहीं कर पाएंगे, इस उसूल के अंदर सख्ती है भाई हम नहीं कर पाएंगे। मोतदिल है, हर आदमी के लिए उस उसूल और उस कानून के ऊपर चलना बिल्कुल आसान है। तीसरे, कयामत तक इसके किसी उसूल को, किसी कलेमे को बदला नहीं जा सकता। बदलना दो तरीके का होता है, एक तो ये कि उसको गलत साबित कर दिया जाए, कुरान के किसी उसूल को गलत साबित कर दिया जाए, आज तक उसके किसी उसूल को गलत नहीं साबित किया जा सका है। तो लाबू बदले कलिमाती, उसके कलेमे को कोई बदलने वाला नहीं। कलेमे के बदलने का एक मतलब यह है कि उसके किसी उसूल को तोड़ दिया जाए, बातिल कर दिया जाए कि वो उसूल सही नहीं। और दूसरे, तकदीर और बदलने का एक मतलब यह है कि आदमी जबरदस्ती उसको निकाल करके दूसरा कानून रख दे, जैसा पिछली किताबों के अंदर हुआ कि उलमा ने क्या किया, असल जो आयत इलाहिया थी उनको निकाल करके अपने फलसफे उन्होंने उसके अंदर डाल दिए। कुरान हकीम में इस तरीके की भी तब्दीली नहीं हो सकती कि आदमी वहां से कोई हर्फ हटा करके दूसरा हर्फ ले आए, ऐसा भी नामुमकिन है। तो कुरान हकीम की इन तीन सिफतों को बयान किया गया कि एक तो पूरा का पूरा कुरान सिद्क है, सच्चाई है, दूसरे अदल है, कोई सख्ती नहीं किसी कानून में, आदमी आराम से हर उसूल के ऊपर अमल कर सकता है, और तीसरे उसके किसी कलेमे को कयामत तक बदला नहीं जा सकता, और यह हकीकत है। और उसके बाद यह फरमाया गया कि हक का तसव्वुर या हक्कानियत और सदाकत की पहचान अक्सरियत से नहीं होती, कि इस तरफ लोग बहुत ज्यादा हैं इस वजह से हक पर है। सदाकत का मेयार दलाइल होते हैं, अक्सरियत नहीं। नोट किया जाए, हक का मेयार, सदाकत का मेयार दलाइल होते हैं, अक्सरियत नहीं। कि इंसानों की अक्सरियत एक तरफ है, किसी बात को मान रही है तो वो चीज हक है। सदाकत का मेयार अक्सरियत नहीं, सदाकत का मेयार दलाइल होते हैं। अगर चे एक ही आदमी हो हक के ऊपर हो सकता है अगर उसके पास दलील हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब तौहीद की आवाज बुलंद की तो सारे लोग इस तौहीद की आवाज से मुखालिफ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने तौहीद की आवाज बुलंद की। तो देखिए, एक ही शख्स है जो एक सच्चाई बयान कर रहा है, उसके मुकाबले में पूरा शहर है, तो यह कहा जा सकता है कि मक्का वाले अक्सरियत में थे लिहाजा वो हक पर थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे तो वो बातिल पर थे। नऊज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
तो हक का मेयार दलाइल होते हैं, अक्सरियत नहीं। वही बात कही गई, वही दुते अक्सर मन फिल और जिल्लू का सबीर। अगर आप उन लोगों की इत्तबा करेंगे जो जमीन में कसीर तादाद में है, तो ये लोग आपको सही रास्ते से हटा देंगे, अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद जहां जहां जिन जिन ममालिक के अंदर मुसलमानों के ऊपर मसाइल हैं, अफगानिस्तान हो, इराक हो, बर्मा हो, कहीं भी हो, एक उसूल बताया गया कि ऐसा क्यों होता है, बताया गया। وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ। जब रियाया जालिम हो जाती है, उस जमीन के बसने वाले जालिम हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। और हदीस भी है, जैसा तुम रहोगे तुम्हारे हाकिम भी वैसे होंगे, कमा तकुनून तू अमरून, जैसा तुम रहोगे तुम्हारे हाकिम भी वैसे रहेंगे। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के जाब्तों से हटोगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ। ये हाथों का कसब है, हम जो अपनी मनमानी कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों से हट करके जो जिंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत ये जुल्म है। जब हम जुल्म कर रहे हैं तो जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया ही जाना है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का कानून है जो इस आयत करीमा में बयान किया गया। उसके बाद एक मसला बयान किया जा रहा है, فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ। हर वो जानवर जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो और वो माकूलुल लहम हो, तो उसको तुम खाओ, यानी जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसे मत खाओ। एक मसला है, अगर किसी ने जानबूझ करके ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर नहीं पढ़ा तो वो ज़बीहा हराम है, और अगर भूल गया तो ज़बीहा खा सकते, इसलिए कि निस्यान माफ है। एक बस में मसला समझ में आया, बकरा ज़बह करते वक्त आदमी जानबूझ करके बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ना पढ़े वो बकरा हराम हो गया, और अगर भूल गया तो भूल माफ है, बकरे का गोश्त खाना हलाल है। और अगर किसी बकरे के बारे में ये मालूम ना हो कि आया इसके ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया, इल्तिबास है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा गया कि अल्लाह के रसूल बात जानवर ज़बह होकर के लाए जाते हैं हमारे पास, हमें मालूम नहीं रहता कि आया इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया करो। ये बुखारी शरीफ बाबू बैयतिल आराब के अंदर यह हदीस मौजूद है, बाबू बैयतिल आराब के अंदर यह हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ के अंदर। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिस जानवर के ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो जानवर तुम खाओ, जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसको मत खाओ। जानवर के गोश्त के खाने के लिए तीन शर्तें हैं, एक तो ये कि जानवर माकूलुल लहम हो, माकूलुल लहम यानी शरीयत ने उसके खाने की इजाजत दी हो, एक, और दूसरे ज़बह किया गया हो। ज़बह का मतलब शरीयत में ज़बह कहते हैं गर्दन की रगों को तेज धार आले से काट दिया जाए, यह है शरई ज़बह, शरई ज़बह है। कैसे? एक तो जानवर माकूलुल लहम हो, माकूलुल लहम शरीयत ने जिस जानवर के गोश्त खाने की इजाजत दी है, एक शर्त। दूसरे ज़बह किया गया हो, ज़बह का मतलब हलक की हुलकूम की रगों को तेज धार आले से काट दिया गया हो। पता ये चला कि अगर जानवर माकूलुल लहम नहीं है, शरीयत ने खाने की इजाजत नहीं दी है, तो आप नहीं खा सकते। दूसरे झटका हराम है, इसलिए कि जानवर को खड़ा कर देते हैं, ऊपर से बोकता मारते हैं और उसका सर धड़ से जुदा हो जाता है, ये झटका कहते हैं इसको, झटका, ये ज़बह नहीं है, लिहाजा झटके का गोश्त हराम है। तो एक तो जानवर माकूलुल लहम, शरीयत ने उसको खाने की इजाजत दी, तीसरे दूसरे ज़बह हो। ज़बह का मतलब यह है कि हलक की रगों को तेज धार आले से काट दिया जाए, और तीसरे उस जानवर के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर पढ़ा गया हो। अगर ये तीन शर्तें पाई जाती हैं तो जानवर का खाना, उसका गोश्त खाना हलाल है, वरना नहीं। ये तीन शर्तें पाई, फिर से बोल देता हूं, जानवर माकूलुल लहम शरीयत ने खाने की इजाजत दी हो, उसे ज़बह हो यानी हुलकूम की रगों को तेज धार आने से काट दिया गया, तीसरे उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर पढ़ा गया हो, ये तीन शर्तें अगर पाई जाती है तो जानवर को गोश्त हलाल है, वरना हलाल नहीं है। अहले किताब का भी ज़बीहा हलाल है। अगर कोई ईसाई जो सचमुच ईसाई हो, यहूदी जो सचमुच यहूदी हो, आखरत पर ईमान रखता हो, किताबों को पर ईमान रखता हो, तो उसका ज़बीहा भी जायज़ है, हलाल है।
मुशरिक का जबिया जायज नहीं, अहले किताब का जबिया जायज है। जैसे अहले किताब की लड़कियों से शादी करना जायज है, ऐसे उनका जबिया भी हलाल है, यहूदियों का जबिया और ईसाइयों का जबिया हलाल। लेकिन वो गोश्त जो सेकुलर मुल्कों से आता है, सेकुलर मुल्कों से आता है, जैसे कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म का मानने वाला कोई मुल्क है, अगर वहां से गोश्त दरामद है, वहां से आता है, तो खाना जायज नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह को मानते ही नहीं। एक वाकया याद आया, मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में जलसा हो रहा था, तो एक मौलवी साहब ने खड़े होकर के हिल्लत और हुरमत के बारे में तकरीर की कि अल्लाह ने फला चीज हलाल की है, फला चीज हराम की। मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में एक जलसा हो रहा था, उस जलसे के अंदर एक मौलवी साहब ने खड़े होकर के हिल्लत और हुरमत के बारे में तकरीर फरमाई, तो एक आर्या खड़ा हुआ, आर्या ने कहा मौलवी साहब एक सवाल करना है, करो पूछो। कहा कि ये बताइए कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से पहले जानवर हलाल था कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद जानवर हलाल हुआ? अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से पहले जानवर हलाल था तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना बेकार है, और अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद जानवर हलाल हुआ तो सुअर और बिल्ली को भी ज़बह कर लीजिए तो हलाल हो जाएगा। तो मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह मुनाज़िर इस्लाम उस जलसे में मौजूद थे, कहा मैं इसका जवाब देता हूँ, तुम्हारे यहाँ ऐसा है कि दूल्हा और दुल्हन को एक लड़के की शादी एक लड़की से हो रही है और पंडित एक श्लोक पढ़ता है, अब बताइए पंडित के श्लोक पढ़ने से पहले ये लड़की उसके लिए हलाल थी या श्लोक पढ़ने के बाद? अगर श्लोक पढ़ने से पहले हलाल थी तो श्लोक पढ़ना बेकार, अगर बाद में हलाल हुई तो वही माँ बहन के ऊपर भी पढ़ लो ना, हलाल हो जाएंगी। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम के ताल्लुक से या इस्लाम के उसूलों पर किसी ने भी एतराज किया तो उसका तंदरुस्तन जवाब दिया गया कुरान और हदीस की रोशनी में, ये मसला बयान किया गया। फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, तुम लोग उस जानवर को खाओ जिस जानवर के ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर नाम न लिया गया हो तो उसको इस्तेमाल मत करो, उसका गोश्त मत खाओ। आगे एक बहुत बड़ी हकीकत बयान की जाए हम सब के लिए है, देखो अल्लाह ने फरमाया वदरु ज़ाहिरल इस्म व बातिना इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुज़ज़ौना बिमा कानू, जाहिर गुनाह को भी छोड़ दो और बातिन गुनाह को भी छोड़ दो। ये जाहिर गुनाह क्या होता है और बातिन गुनाह क्या होता है? जो अलानिया किया जाए गुनाह वो जाहिरल इस्म है, और जो छुपकर गुनाह किया जाए वो बातिनल इस्म है। जाहिर इस्म कैसे? पहले तो लड़के लड़की मर्द और औरत गुनाह करते थे तो कहीं अंधेरे में बैठकर तन्हाई में, आज तो पार्कों के अंदर साहिलों के ऊपर समुंदर के किनारों पर, ये गंदगी आदमी देखता है और अपना सर झुका लेता है शर्म से, यह है जाहिर इस्म। और बातिन इस्म आदमी जो छुप करके करे, उसका एक मतलब और मुहद्दिसीन ने बताया, मुफस्सरीन ने बताया वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, खुला गुनाह किसको बोलते हैं, छुपा हुआ गुनाह किसको बोलते हैं? जो खुला गुनाह है वो तो है ये अलानी आदमी करे, लेकिन छुपे हुए गुनाह का एक मतलब यह है कि आदमी गलत मसला बयान कर दे और लोग उस गलत मसले के ऊपर अमल करने लगे तो ये भी बातिनी गुनाह है, जितने लोग वो गुनाह करेंगे इसकी सजा मिलने वाली। इसी वजह से कहा गया इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, ये गुनाह कमा रहा है, कमा रहा का मतलब इन्वेस्ट कर दिया है ना, अब कमा रहा है। इन्नल लज़ीना कसबा यक्सिबूनल मैंने कमाना, इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, बाज लोग गुनाह कमाते हैं कैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे एक मुफ्ती साहब है, फतवा दे दिया उन्होंने मदार पर सजदा करना जायज, वहां कुर्बानी करना जायज, फतवा दे दिया उन्होंने, अब लाखों लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, कमा रहा है, इन्वेस्ट कर दिया इसने, गुनाह कमा रहा है, ये है बातिन लिस्म। इन्नल लज़ीना, क्या बात है, कैसी बातें करता है कुरान हकीम, कैसे ज़वाबित हैं, कैसे उसूल है, मालूम होता है जिससे पूरे समंदर को उठा करके एक कूजे में बंद कर दिया गया, आदमी हक नहीं अदा कर सकता, एक लफ्ज का हक नहीं अदा कर सकता, खुदा की कसम। ये तो मैं सरसरी तौर पर बयान कर रहा हूं, अगर अंदर डीप में जाएंगे ना तो हैरान हो जाएंगे आप, ये कैसी किताब है जी, आज दुनिया में इसी के ऊपर रिसर्च हो करके तो इतनी रोशनी और इतनी तरक्की मिल रही है, इसी किताब की देन है।
यहूदी दुनिया, ईसाई दुनिया और दुनिया के लोग, साइंसदान अगर इसका इकरार ना करें तो ना करें, मगर हकीकत यही है कि इसी किताब के ऊपर रिसर्च होकर के दुनिया के अंदर जो तरक्की हो रही है जी, इसी किताब की देन है, इसी किताब की बरकत है। उसके बाद एक हकीकत बयान की गई कि दो पेड़ है, एक पेड़ है वो फल नहीं दे रहा है और एक पेड़ है उसी के मुकाबले में वो फल दे रहा है। कहते दोनों है पेड़ मगर एक पेड़ मुर्दा है, एक पेड़ जिंदा है। क्यों भाई? अरे जो फल देना बंद कर दे, शजर का काम, दरख्त का काम फल देना होता है, मकसद उसका, मकसद तखलीक फल देना। अब दरख्त का मकसद तखलीक फल देना है, अगर फल देना छोड़ दे तो अपने मकसद से हट गया, मर गया वो। जो अपने मकसद से हट गया मर गया, कोई उसके करीब भी नहीं जाता। और अगर वो फल दे रहा है तो अपने मकसद तकलीफ को पूरा कर रहा है, लोग उसके पास जाएंगे। ऐसे ही दो आदमी चलते हैं, एक मोमिन और एक काफिर, लेकिन चलते दोनों हैं मगर एक जिंदा है एक मुर्दा है। क्यों? इसलिए कि मोमिन ने अपने मकसद तखलीक को पहचाना कि मकसद तखलीक अल्लाह की इबादत है, और काफिर ने अपने मकसद तखलीक को नहीं पहचाना, इस वजह से वो चलते हुए भी मुर्दा है। ये कुरान हकीम का फलसफा है। क्या फलसफा है! अल्लाह अकबर। आदमी चलते हुए भी मुर्दा होता है, क्या बात! आदमी चलते हुए भी मुर्दा होता है। उसके बाद ये बताया गया कि ज़कात फर्ज है साहिब इस्तेदाद के ऊपर। अगर आदमी ज़कात नहीं निकालता तो उसका माल तबाह हो जाता है। ज़कात आम तौर पर किन किन चीज़ों में निकाली जाती है, अर्बन न्यूज़ इंशाल्लाह परसों पढ़ लेंगे, उसके एडिटर ने पूरी तफसील के साथ लिखा है और परसों इंशाल्लाह आपके हाथों में आ जाएगा, अर्बन न्यूज़ पढ़िए जी। तो जो आदमी ज़कात नहीं निकालता उसका माल तबाह हो जाता है, ये तो है। ज़कात माल में भी है, सोना चांदी है, असबाब तिजारत में वगैरह वगैरह। यहाँ बताया जा रहा है कि खेती में भी है, वो खेती का हम बता रहे हैं इसलिए कि यहाँ खेती का सिर्फ तस्करा है। वआतू हक्कहु यौम हसादिह, इसके लिए साल गुजरने की बात नहीं, असबाब तिजारत पर साल गुजर जाए, सोना चांदी पर साल गुजर जाए, रुपए पैसे पर साल गुजर जाए, तब ज़कात वाजिब होती है 2.5% के हिसाब से, बराबर है। लेकिन जमीन की पैदावार के ऊपर ज़कात फर्ज होती है, उसके लिए साल गुजरना नहीं, फसल का होना जरूरी है। जितनी फसलें उतनी बार ज़कात। कितना निकालना है? 60 वसक। मेरा हाफिजा अगर गलती नहीं कर रहा है तो तकरीबन 750 किलो होना चाहिए। कितना? 750 किलो। अगर इतनी पैदावार है तो अब दो सूरतें, या तो आसमानी बारिश से सैराब हुई है ज़मीन तो 20 मन में 2 मन, और अगर ट्यूबवेल वगैरह से आपने अपने ज़रिए पानी से उसको सींचाया तो 20 मन में 1 मन, यानी आपको 10वां निकालना है या 20वां निकालना है। ये एक कानून बताया गया खेत के ताल्लुक से, खेत की पैदावार के ताल्लुक से। उसके बाद अल्लाह ताला ने तौरात के अंदर जो 10 अहकाम थे, 10 कमांडमेंट्स जो होते हैं अहकाम अशरा, अल्लाह ताला ने 3 आयतों के अंदर बयान कर दिए। फरमाया قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا। एक तो ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, ये पहला हुक्म है। दूसरे माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो। दूसरे वला तक्तुलु औलादकुम मिन इमलाक, मुफलिसी से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। पेट में लड़की है लड़का है सोनोग्राफी के जरिए मालूम कर लेते हैं, बच्ची है तो गिरवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, ये भी है। वला तक्तुलु औलादकुम मिन इमलाक, गरीबी के डर से तंग दस्ती के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, हम तुमको भी रोजी देते हैं उनको भी रोजी देते हैं, आप रोजी के ठेकेदार हैं, रोजी के ठेकेदार हैं आप। नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम। वला तक़रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, खुली बेहयाई और ज़ाहिरी बेहयाई उसके भी करीब मत जाओ। 4 वला तक़रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, और वला तक़तुलुन नफ्सा अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़, बिला वजह किसी को कत्ल मत करो। इस्लाम के अंदर
एहतराम जान की रिवायत को तोड़ने की ममानियत की गई है, ना हक किसी को ना कत्ल किया जाए। ये पांच चीजें हो गई पहली आयत के अंदर। दालिक वस्वाकुम भी लअल्लकुम तअक्लून, एक आयत के अंदर पांच उसूल बयान किए गए, और फिर दो आयतों के अंदर फिर पांच उसूल बयान किए गए। क्या के ये फरमाया गया वऔफुल कैल इज़ा किल्तुम, जब तौलो वो पूरा तौलो, एक ये है, और दूसरे की वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, यतीम का माल मत खाओ, तौलो तो पूरा तौलो, यतीम का माल मत खाओ। दो, और वइदा कुल्तुम फादिलू, जब बोलो तो इंसाफ की बोलो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। वो बेअहदिल्लाह औफू, और वादा करो, अहद करो तो उसको पूरा करो। और पांचवी बात को एक आयत के अंदर बयान किया गया, क्या وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ, फरमाया गया कि रास्ता एक है, उसका नाम सिराते मुस्तकीम, इस रास्ते को छोड़ करके किसी और रास्ते पर ना जाओ, तकलीफ करत है। गोया कि ये 10 अहकाम जो हजरत मूसा को दिए गए थे 10 कमांडमेंट के नाम से, कुरान हकीम की 3 आयतों के अंदर इन अहकाम अशरा को, 10 अहकाम को बड़ी जामियत के साथ बयान कर दिया गया। ये कुरान हकीम का एजाज है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पैदाइश, और फिर शैतान को यह हुक्म कि आदम को सजदा करे, फिर उसने सजदे से इनकार किया। तो अल्लाह ने पूछा, काल या इब्लीस मा मनाका अल्लाह तसजुदा इज़ अमरतुक, जब मैंने हुक्म दिया था तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो क्या कहने लगा, काल अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं, क्यों, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, मिट्टी से, मिट्टी को ऊपर फेंको तो नीचे आ जाती है, और आग को नीचे दबाओ तो ऊपर चली जाती है। आग की फितरत है बुलंद होना, मिट्टी की फितरत है पस्त होना, बुलंद चीज पस्त के सामने झुके कैसे? उसने कयास किया, नस मौजूद थी, अल्लाह का हुक्म मौजूद था, उसने कयास किया, पता ये चला कि नस की मौजूदगी में कयास करना शैतानी अमल है। जब नस मौजूद ना हो तब कयास कर सकते हैं। मसलन किबला मालूम ना हो कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, आदमी किसी जंगल में है, उसे मालूम नहीं हो रहा कि किबला किधर है, तब उसके अंदर वो कयास करेगा, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, उधर हो सकता है। लेकिन जब सूरज निकला हुआ हो तो मालूम है ना कि ये सूरज निकला हुआ वो मशरिक है, इसके मुकाबले में मगरिब है, दाएं दक्षिण है और बाएं उत्तर है, उसको कयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे सूरज निकला हुआ हो तो तहर्री की जरूरत नहीं, किबला मालूम करने की जरूरत नहीं। किबला मालूम करने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब सूरज निकला हुआ ना हो। सूरज निकला हुआ हो तो फिर किबला मालूम करने की जरूरत नहीं, तहर्री की जरूरत नहीं। ऐसे ही जब नस मौजूद हो तो कयास की जरूरत नहीं है, हदीस मौजूद हो तो किसी कयास की जरूरत नहीं। इसने क्या किया, अल्लाह का हुक्म मौजूद था सजदा करो, नस की मौजूदगी में इसने कयास किया, क्या मैं आग से, ये मिट्टी से, आग बुलंद होती है, मिट्टी पस्त होती है, बुलंद पस्त के आगे कैसे झुके, ये उसका कयास था, और इसी वजह से वो रादे दरगाह हुआ। नुक्ता ये मिला कि नस की मौजूदगी में कयास नहीं किया जा सकता, अगर कोई करता है तो उसका ये अमल शैतानी अमल है। अच्छा, आग अफजल है मिट्टी से, क्यों क्यों अफजल है? सिर्फ ये क्यों ऊपर जाती है वो और मिट्टी नीचे आती है? मिट्टी के अंदर एक चीज ऐसी है जो आग में नहीं है, गेहूं का एक दाना है, आग में डाल दो जल जाएगा, और जमीन में डाल दो तो एक के सात बालियां, सात बालियों में 100-100 दाने, एक को 700 करके देती है मिट्टी। तो मिट्टी अफजल है कि आग, आग में डाल दो तो जो है वो भी जल के राख हो जाता है, और मिट्टी के अंदर डाल दो तो एक को 700 बना करके देती है, तो मिट्टी अफजल है या आग? कयास भी किया तो उसने कहना भोंडा कयास किया, भोंडा कयास किया, ये अजीब बकरी बात है, ये कयास बिल्कुल सही नहीं था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस नाफरमानी की वजह से रांधे दरगाह तक चल भाग गया, अरे फाहबित चल उतर भाग गया यहां से, जमीन पर चला जा। तो अल्लाह के सामने उसने ये कहा, एक दुआ की उसने, قال رب انذرني الى يوم يبعثون, قال رب فانذرني الى يوم يبعثون, ऐ मेरे रब, देखो दुआ कर रहा, जैसे हम लोग कहते हैं रब्बना, तो उसने भी कहा है मेरे रब, मैं एक दुआ करना चाहता हूं, कहा कि क्या, कहा कि मुझे कयामत तक मोहलत दे, फिर मोहलत दी,
अब देखिए यहां शैतान ने दुआ की तो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। किसके वसीले से किया था उसने? शैतान की दुआ बगैर वसीले के कबूल हो सकती है तो मुसलमान की दुआ बगैर वसीले के कबूल नहीं हो सकती? ये अजीब गरीब बात है। कोई ये दलील दे दे कि शैतान की दुआ जो कबूल हुई उसने जो दुआ मांगी वसीले से मांगी। किसकी वसीले? किसके वसीले से मांगी? दलील दे दो। उसके बाद कहने लगा तूने मुझे गुमराह किया। देखो गलती दोनों से हुई, शैतान से भी और हजरत आदम से हुई, दोनों से हुई। एक से कहा गया था कर, नहीं किया। एक से कहा गया था ना कर, कर लिया। गलती दोनों से हुई ना। एक से कहा गया था कर, नहीं किया, सजदा कर, नहीं किया। और एक से कहा गया था ला तकरबा, मत कर, इस दरख्त के करीब मत जाना, वो चले गए। एक से कहा गया था कर, नहीं किया। एक से कहा गया था ना कर, उसने कर लिया। दोनों से गलती हुई, लेकिन एक ने अपनी गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। क्या कहा? काला रब्बना ज़लमना अनफुसना। देखो गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, यह इंसानियत। उसने क्या कहा? काला रब फबिमा अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। इसका मतलब अपनी गलती को उसने तकदीर के सर मट दिया। यह है शैतानियत, जो गलती करने के बाद अपनी गलती का मामला तकदीर के ऊपर डाल दे, शैतान है। और जो अपनी गलती को अपने ऊपर डाल दे, अपनी तरफ मंसूब कर दे, वही इंसान है। और यह भी मालूम हुआ कि जो अपनी गलती को तस्लीम कर ले वही इंसान, जो अपनी गलती पर अड़ा रह दे उसको शैतान। अब इंसानियत और शैतानियत को समझना कितना आसान हो गया। जो अपनी गलती पर डटा रहे वो शैतान, और जो अपनी गलती तस्लीम कर ले और अपनी गलती को मान ले वो इंसान है। तो इंसान और शैतान में यही फर्क है। लोग कहते हैं अरे भाई कुरान और हदीस की बात मत करो, इंसानियत की बात करो। तो भाई कुरान तो इंसानियत की तो बात करता है, अज़वल ताखिर इंसानियत की बात करता है भाई। अच्छा फिर कहने लगा इसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया, आदम की वजह से, ये इसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है। हादल्लज़ी करमता अलैया, इसके ऊपर तूने मुझे मफजूल किया है और इसको बुलंदी दे दी है मेरे ऊपर, अब मैं बदला लेता हूं उसकी औलाद से। हजरत आदम को, हमारे मां बाप को तो निकलवा दिया उसने, हैं घर से निकलवा दिया, अब औलाद के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे? वहां कहा है उसने सुम्मल आतियन्नम, कहां बैठ जाऊंगा मैं? सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। इसका मतलब है शैतान को भी मालूम है कि जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता एक है। लोग बताते चार है, शैतान को भी मालूम है रास्ता एक, वही बैठ जाओ इसी पर सब आएगी। इस रास्ते पर जो आया उसी को हटा दो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। बकिया और किसी रास्ते पर बैठने की जरूरत नहीं, वो सारे रास्ते जहन्नम की तरफ जाते हैं, उस पर बैठने की क्या जरूरत है। लाकुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। अच्छा रास्ते पर खड़ा क्यों नहीं है, बैठा क्यों? अरे खड़ा रहेगा तो दूर से दुश्मन देख लेगा ना, छुप करके बैठा हुआ कि अचानक पकड़ ले, करीब आ जाए। लाकुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं बैठूंगा तेरे सिराते मुस्तकीम पर, काहे के लिए? सुम्मल आतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से बाएं से, आगे से हमला करूंगा। क्या मतलब? दुनिया के रास्ते से आऊंगा, दुनिया में उलझा दूंगा या आगे से, और आखिरत के रास्ते से आऊंगा, आखिरत को फरामोश करवा दूंगा, और दाहिने से आऊंगा बुराइयों के रास्ते से, बुराइयों में उलझा दूंगा, और दाएं बाएं तरफ से आऊंगा बुराइयों में उलझा दूंगा, और दाएं तरफ से आऊंगा नेकियों के जरिए मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। अच्छा नेकी के जरिए भी आदमी बर्बाद हो जाता है? बोले हाँ, नेकियों पर मगरूर बना दूंगा, आदमी बर्बाद हो जाता है। अरे इतनी नमाजें मैंने पढ़ी हैं, पहली सफ में रहता हूं मैं, मेरे जैसा कौन है? ये है, नेकियों पर मगरूर बना दूंगा, मैंने अल्लाह की राह में इतना खर्च कर दिया तो नेकियों पर मगरूर बना दूंगा, नेकी जाय हो जाएगी। कैसे कैसे हर में उसकी कितना पढ़ा लिखा है, अच्छे अच्छे सियासतदानों को इनने पट्टी पढ़ाई है, पूरी दुनिया को नचा रहे हैं वो, ये जब चेले हैं उसके। अब वो उस्ताद कितना सही होगा, गुरु, जब चेलों का ये हाल है तो गुरु कैसा होगा, अंदाजा लगाइए आप। वो तो आसमान से पढ़ के आया है, लोग दुनिया में पढ़ते हैं, वो तो मलयाला में था, वहां से उतारा गया नीचे, कितना सही होगा वो।
पूरी दुनिया को चक्कर में डाल रखा है, आदम को निकलवा दिया। उसके बाद ये फरमाया गया, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा, ऐ बनी आदम हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है। तो लिबास दो तरीके का होता है, एक तो ये कि जिस्म के लिए लिबास बराबर, और एक होता है रूह के लिए लिबास। तो रूह के लिए लिबास तकवा है, और जिस्म के लिए लिबास ये कपड़े का लिबास वगैरह दिया है। लिबास में चंद शर्तें हैं, एक तो टखने के नीचे ना हो, एक, और दूसरे सातिर हो, सातिर का मतलब बदन को छुपा ले, नशे वो फराज न दिखे, चाहे मर्द हो या औरत हो। एक तो ये के सातिर हो, बदन के नशे वो फराज ना दिखे, अप्स एंड डाउन्स ना दिखे, इतना ढीला हो, सातिर हो एक, और दूसरे के टखने के नीचे ना हो, और तीसरे गेरुए रंग का ना हो, मौसफर ना हो। बस किसी कट के बारे में शरीयत ने मना नहीं किया, कोई भी कट पहन सकता है आदमी, जींस पहन सकता है आदमी, पैंट पहन सकता है, शर्ट पहन सकता है, ऐसी कोई ममानियत नहीं, कैसे भी पहन सकता है। ये तीन शर्तें नहीं पाई जानी चाहिए, अप्स एंड डाउन्स ना हो, दिखाई दे नशे व फराज बदन के, साथी हो बदन, आदमी नमाज आसानी से पढ़ सकता हो, तकलीफ ना हो, एक तो साथी हो बदन को छुपाने वाला, और दूसरे ये के गेरुए रंग का ना हो, और तीसरे ये के टखने के नीचे ना हो, बस उसके अलावा किसी कट की ममानियत नहीं, कोई भी लिबास पहन सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इशारत फरमाया कि जब कयामत में लोग पहुंचेंगे तो तीन तरीके के होंगे, कुछ लोग होंगे नेकियां ज्यादा होंगी बुराइयां कम होंगी, उनके लिए जन्नत है, कुछ लोग होंगे बुराइयां ज्यादा होंगी नेकियां कम होंगी जहन्नम में, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हसनात और सय्यात बुराइयां और नेकियां दोनों बराबर होंगी, वो आराफ में रहेंगे बीच बीच में, जन्नत और दोजक के बीच में एक ऊंची जगह का नाम आराफ है, ये उर्फ की जमा है, उर्फ माने मुर्गे की कलगी। देखो मुर्गे की जो कलगी होती है ना, वो मुर्गे के सर पर उठी रहती है बराबर है, वहां से उसका पूरा जिस्म दिखेगा। ऐसे ही जन्नत और दोजक के बीच में एक मकाम का नाम है आराफ। हजरत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान ने फरमाया कि आराफ में वो लोग होंगे जिनकी हसनात और सय्यात, जिनकी बुराइयां और नेकियां बराबर होंगी, और वो दोनों तरफ देखेंगे, जहन्नमियों को भी देखेंगे और जन्नतियों को भी देखेंगे। जब जन्नतियों को देखेंगे सलामुन अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम देखेंगे, जन्नतियों को आगे देखेंगे तो सलाम अस्सलाम अलैकुम, लम यदखुलुहा वहुम यत्मऊन, अभी हम फंसे हुए बाबा यहाँ, हैं दुआ कर रहे हैं, ख्वाहिश है हमारी जन्नत में दाखिल हो जाए, लम यदखुलुहा अभी वो दाखिल नहीं हुए, ख्वाहिश कर रहे हैं, सलामुन सलामुन अलैकुम सलाम अलैकुम, आप लोग तो चले गए, हम लोग यहाँ फंसे हुए भाई अभी। लेकिन ये लोग भी फिर, ये लोग रिजर्वेशन में है, लेकिन सब कन्फर्मेशन हो, सब कन्फर्म हो जाएगा। और कुरान हकीम ने बताया दुआ का एक तरीका कि आदमी जब दुआ करे तो दो बातों को पेश नजर रखे, एक तो ये कि पूरे दिल के साथ दुआ कर रहा हो, गिड़ गिड़ा कर दुआ कर रहा हो, चुपके 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 अगर दुआ ना करे, जोर जोर से करे, हो सकता है कि इसमें रियाकारी का शुभा हो, तो आदमी धीरे धीरे दुआ करे, और दूसरे पूरे तजर्र और गिड़ गिड़ाहट के साथ, दुआ जरूर कबूल होती है। ये दुआ का उसलूब बताया गया, दुआ का तरीका बताया गया, आदमी का दिल धड़क रहा हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, और आंखें आंसुओं आंसुओं से भर आई हो, और उसके बाद बंदा धीरे धीरे अल्लाह को पुकार रहा हो, दुआ एग्जैक्ट कबूल होती है इंशाल्लाह। ये रहा आठवें पारे का खुलासा, अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ तौफीक अता फरमाए। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।